हर लड़के का किसी ना किसी लड़की पर क्रश होता है, लेकिन किसी वजह से या कॉन्फिडेंट की कमी की वजह से वो किसी को नहीं बताते और प्यार छुपा रह जाता है या सिर्फ दोस्त बनकर रह जाते हैं। कुछ लोग प्रपोज भी करते हैं लेकिन रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि वो लड़की को इम्प्रेस नहीं कर पाते। तो अगर आप किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो में 11 टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं जो आपको शुरू से लेकर लड़की को प्रपोज करने तक सभी स्टेप में मदद करेगा। तो सबसे पहले टिप्स की ओर जाते हैं। सबसे पहला टिप्स है कॉमन थिंग्स। किसी भी लड़की के साथ बातचीत करने के लिए आप दोनों में कुछ समानताएं होनी चाहिए, जैसा एक ही कॉलेज, एक ही क्लासरूम या एक ही कॉमन फ्रेंड, जिससे कि आप उसके साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं। कॉमन थिंग ना हो तो आपको पहले एक जैसा माहौल बनाना होगा, फिर उसके बारे में पता लगाओ कि उसे कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट है और उसको जिसमें इंटरेस्ट है उससे उसके बारे में बात करो, जैसे मूवीज़ देखना, बुक्स पढ़ना। आप कोई नई मूवीज़ देखें या कोई नया बुक्स पढ़े तो उसको उसके साथ शेयर करें। अगर आप दोनों का चीज़ में इंटरेस्ट हो तो उसके साथ ज़्यादा देर तक बात कर सकोगे। टिप्स नंबर 2, खुद की लाइफ इंटरेस्टिंग बनाओ। किसी भी लड़की को वैसा लड़का पसंद नहीं जिसकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग ना हो, जिसकी लाइफ एकदम बोरिंग हो, कोई टारगेट ना हो या कोई जुनून ना हो। तो अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने टारगेट सेट करो। कोई इंटरेस्टिंग हॉबी रखो, जैसे सिंगिंग, मोटर बाइकिंग, प्रोग्रामिंग, कुछ भी ऐसा जो आपको करना पसंद हो और आप उसके लिए जुनूनी हो। लड़कियों को जुनूनी लड़के पसंद आते हैं, जो एडवेंचरस हो, जो पार्टी करते हो, जो घूमने जाते हो। टिप्स नंबर 3, ऐसे इंसान बनो जिसे दूसरे भी पसंद करते हो। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जिन्हें दूसरी लड़कियाँ भी पसंद करती हो। जैसे आप क्लास में इंटर हो रहे हो तो सभी आपको हाय बोल रहे हैं और आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है और आप भी उनसे हंसकर बात कर रहे हो, तो यह देखकर आपकी क्रश को आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसे लगेगा कितना कूल बंदा है यार, सभी इसे पसंद करते हैं, फिर वो भी आपसे बात करना चाहेगी और आपके साथ घूमना चाहेगी। टिप्स नंबर 4, अच्छा दिखो और साफ़ सुथरा रहो। जैसे कि हम जानते हैं, अच्छा दिखने वाले और साफ़ सुथरे लोग हमें बहुत पसंद आते हैं, सो हर फैशन अपनाओ। लड़की की नाक बहुत तेज़ होती है, सो अच्छा डीओ या परफ्यूम लगाओ। टिप्स नंबर 5, लड़की को तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए कहो। आप अपने क्रश को आपके लिए कुछ काम करने के लिए बोलिए। जब वह आपके लिए कुछ काम करेगी तब वह आपको थोड़ा और ज़्यादा लाइक करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हम काम अपनों के लिए करते हैं या जिन्हें हम जानते हैं, सो हमें फील होता है कि हम इनके लिए कुछ किया क्योंकि हम इसे इन्हें लाइक करते हैं। हम जिनके लिए काम करते हैं सबकॉन्शियसली हम उनसे जुड़ जाते हैं। लड़की को छोटे छोटे काम करने के लिए बोलो, जैसे क्लासरूम में पेन पेपर या पेन पास करने के लिए बोलिए या नोट्स कंप्लीट करने के लिए बोलिए। टिप्स नंबर 6, लड़कियों को हंसाओ। जैसा कि हम जानते हैं, लड़कियों को हंसना बहुत पसंद होता है क्योंकि हंसती हुई वो बहुत खूबसूरत लगती है। अगर आपको लगता है कि आप लड़कियों को हंसा नहीं सकते क्योंकि बस आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपने रूम में जोक्स की प्रैक्टिस करो। फनी लोगों और कॉमेडियंस को ऑब्जर्व करो। किसी कॉमेडी मूवी का सीन उसे बताओ। जितना ज़्यादा जोक्स आप क्रैक करोगे उतना ही आप फनी बनोगे। लड़कियाँ जितना कंफर्टेबल आपके साथ फील करेगी वह आपके साथ उतना ही टाइम स्पेंड करेगी। टिप्स नंबर 7, लड़की का दोस्त बनो। आपको उसका दोस्त बनना होगा, ना कि बाकी लोगों की तरह फ्रेंड जोन में अटके रहना। अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए। उसके लिए आपको सब कुछ करना होगा जो बाकी फ्रेंड जोन वाले नहीं करते, जैसा कि सोने से पहले थोड़ा चैट करना, गुड मॉर्निंग वाला मैसेज करना, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना, उसके साथ उसके फेवरेट एक्टर की मूवी देखना, उसके साथ बाहर घूमने जाना और कुछ ऐसे काम जो उसे करना पसंद हो। इससे आप और ज़्यादा उसके करीब हो जाओगे। टिप्स नंबर 8, हैंडसम बनो। जब भी उसे छूना हो तो पूरे हक से उस पर हाथ रखो, जैसा कि आप उसे उंगलियों के कोने से टच ना करते हुए उसके शोल्डर पर पूरा पंजा रखो, उसके हाथ पकड़ो। लड़की को टच नहीं करना चाहिए, लड़की को टच बुरा मानती है। जैसे उससे कुछ लेते हैं, उसका हाथ पकड़ना या फिर मिलते वक्त हाथ मिलाना, कुछ ऐसे गेम जिसमें एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हो। हम जब एक दूसरे को छूते हैं या छूकर बात करते हैं तो हमें अपनापन महसूस होता है। लड़कियाँ जब तक कंफर्टेबल ना हो जाए तब तक किसी को नहीं छूती। अगर आप उसे छूकर बात करोगे तो वो आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी।
टिप्स नंबर 9, सीक्रेट बताओ। आप उसे अपने सीक्रेट बताओ और ऐसे सीक्रेट बताओ कि सामने वाले को लगे कि अगर आप उसकी जगह पे होते तो वे सीक्रेट कभी ना बताते। अगर आप अपने सीक्रेट्स उसे बताओगे तो वो आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करने लगेगी, क्योंकि हम इंसान की पुरानी आदत है, हम उसी पर ट्रस्ट करते हैं जो पहले हम पर ट्रस्ट करता है, और हो सकता है वो भी अपने सीक्रेट आपके साथ शेयर करें। टिप्स नंबर 10, उसे अपना वक्त दो। आजकल के बिजी लाइफ में अगर कोई कुछ चाहता है तो है अटेंशन। अगर आप उसे सच में अपना बनाना चाहते हो तो जब वह आपसे बात करे या आपको कुछ बताए तब आप उस पूरा ध्यान देकर उसकी बात सुनो, ना कि जब वह आपसे बात करे तो आप अपने फ़ोन में देखो या किसी और तरफ देखो, और बाद में अगर उस टॉपिक पर कोई डिस्कशन हो तो उसके बताई हुई बात उसे बताओ। इससे वो खुद को स्पेशल फील करेगी और आपके साथ खुश रहेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि आप उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हो, और जब वो आपसे बात करे तो उसके आंखों में देखना है। टिप्स नंबर 11, कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप आगे के 10 तरीकों को करोगे। आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी होगी जिससे आप किसी पर भी अपना इम्प्रेशन छोड़ सकोगे, और अगर आप डरते हो तो आप वर्कआउट स्टार्ट कर दो, आपके फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाएगा, और फिर जब आप उसे प्रपोज करोगे तो आपको ना नहीं कर पाएगी। आज के 10 तरीकों में आपने जाना कि लड़की को इम्प्रेस कैसे करना है या उसे दोस्ती कैसे करें। आने वाले वीडियोस में लड़की को प्रपोज कैसे करना है, लड़की हाँ कहे तो क्या करें, लड़की ना कहे तो क्या करें, लड़की को ना को हाँ में कैसे बदला जाता है, या गर्लफ्रेंड के साथ कैसे रहता है, आदि बातें होगी।